जो कहा गया था भाई तदेव ब्रह्मत्वमिति नेदम ब्रह्मित्य आत्मा अनात्मा का जो कथन जो हुआ है तो क्यों कहना पड़ा दोबारा, तो कहा के बाद दो कारणों से कहा गया है, या तो नियमार्थम अथवा अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम वा, इस पर विचार चल रहा था उस श्लोक पर। विधि अत्यंतम अप्राप्त हो नियम पाक्ष के सती तत्र अन्यत्र प्राप्त हो परिसंख्ये कियते, टिप्पण संख्या एक पृष्ठ संख्या 40। नियम पाक्ष न्यायराह पक्षे अनात्म इत्यादि, पक्षे मने अनात्मनि ब्रह्म बुद्धि ना हो जावे, क्योंकि आत्मा में भी ब्रह्म बुद्धि हो सकती है अनात्मा में भी ब्रह्म बुद्धि हो सकती है, लोगों को अनात्मा में ब्रह्म बुद्धि है ही, इसलिए पक्ष में प्राप्त क्या है अनात्म में ब्रह्म बुद्धि होना प्राप्त था, उसे निषेध करके प्रत्येक जीवात्मा में ही ब्रह्म बुद्धि करने का नियमन करने का नाम ही नियम विधि है। ये वहां व्री नवहंती मीमांसा में दृष्टांत इसका नियम विधि का, व्री को जो है धान को कूट के ही ओखली में डाल के मूसलों से कूट के उसका छिलका निकालना चाहिए यज्ञ तंडुल के लिए, ये क्यों कहा, तब कहते अन्यथा भी प्राप्त है, अन्य प्रकार से भी निकाला जा सकता है, आजकल तो आधुनिक मशीनों में निकाल देंगे, पहला में तो राहट होते जल से चलता था चक्की, उससे भी निकाल सकते थे अनेक प्रक्रिया से, नाखून से निकाल दिया, चाकू से रगड़ दिया, अथवा दुकान में तैयार मिल रहा है उठा के लाए, तो अनेक प्रकार से चावल प्राप्त है, तंडुल प्राप्त है, उन अन्य जो साधन से प्राप्त है उन साधनों को निषेध करके अवहनन रूपी साधन विशेष का विधान करने का नाम नियम विधि होता है। उसे तदेव ब्रह्म यदि वाक्यार्थ विस्मरण वेलाया, तदेव ब्रह्म इस वाक्यार्थ को जब आदि भूल जाए उस समय प्राक्तन संस्कार पाठवाद पूर्व अनेकों जन्मों के संस्कार की पटुता के कारण से क्या होगा, अनात्म देहादोपि आत्मत्व बुद्धो प्राप्तायाम इत्यर्थः, जो कि अनात्मा है कौन देहादि, इनमें आत्मत्व बुद्धि होने की प्राप्ति थी, उसको निषेध करने के लिए कहा तदेव ब्रह्म तुम विद्धि। अत्र च उपासता इत्यस्य आत्मत्वेन अनुभूय सेवन्ति इत्यर्थः, नेदम यदिदम उपासते, इदम यदिदम उपासते में जो उपासते है उसका क्या ना आत्मत्वेन अनुभूय सेवन्ते, इन शरीर आदियों को ही इदम रूप शरीर आदि है इनको आत्म रूपेण अनुभव करके उसका उपभोग करते हैं, ये उपासते कर लेना चाहिए, इसे टिप्पणी कारण यद्वा, अथवा दूसरा पक्ष है सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यं आदि वाक्य श्रवण, ऐसा वाक्य श्रवण कर लो उनको भ्रांति हो गया ऐसा कुछ ब्रह्म है, तो सर्वं खलिदं ब्रह्म इत्यं आदि वाक्य श्रवणे तदर्थ अनवधारणे च आपाततः सर्वं इदं दृश्यं ब्रह्म इत्यं अनात्मनि ब्रह्म बुद्धौ प्राप्तायम इत्यर्थः, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो सभी के अंदर भ्रांति है, सर्वं ब्रह्म का मतलब क्या, ये जो घटपट संसार दिख रहे सारा संसार ब्रह्म है, ऐसा नहीं, जो है उसको एक्सप्लेन करना है, जो है जो नजर में आता है उसके बारे में तो एक्सप्लेन नहीं, उसको करना है, उसको हमें अपवाद करना है, उसको मजबूत नहीं करना है, उल्टा आप उल्टा उसको मजबूत कर रहे हैं, ये दृश्य को ब्रह्म कह रहे हैं, अरे ये कौन दृश्य है, ये तो मिथ्या है, ये है ही नहीं, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, उसी को तो अर्थ कर रहे हैं, सर्वम जगत नहीं वह नहीं वह उसी को तो अर्थ लिख रहा है, इसलिए तो मैंने पढ़ा है टिप्पण जान करके आप लोगों का आंख खोलने के लिए ही, सर्वम माने यहाँ तात्पर्य सर्व जीवात्मा, जितने जीव माने जा रहे हैं वास्तव में जीव वाक्य में कोई है ही नहीं, ये सारे जीव ब्रह्म ही है, न तो हम एव ब्रह्म, न तो दृश्यम ब्रह्म नहीं बोल रहा है, सर्वम से दृश्य को नहीं लेना है, जगत को नहीं लेना है, इसलिए टिप्पण मैंने पढ़ा, देखो यद्वा सर्वम खलम ब्रह्म इत्येवम् आदि वाक्य श्रवणे तदर्थ अनवधारणे, सभी को इस विषय के इस मंत्र के अर्थ का निश्चय नहीं हो रहा है, अनवधारण हो गया, निश्चय नहीं कर पा रहे, गलत निश्चय दिमाग में बिठा रखे हैं, और सर्वम से जगत को लेते हैं, दृश्य को लेते हैं, गलत,
पाठ ही नहीं है बोलूंगा तो उसकी अस्तित्व कहाँ से आया, माया कहाँ से आया? देखो न कार्यमस्ति न कारणमस्ति अपूर्व न परम, न पूर्वमस्ति न परमस्ति अपूर्व न परम, न कार्यमस्ति न कारणमस्ति। ब्रह्म कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं, इसलिए तो कहा पूर्व मन परम। ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है अगर ईश्वरत्व को माने, जीवत्व को माने तब ब्रह्म कारण है, अगर नहीं माने ब्रह्म कारण भी नहीं है। बस यही तो कह रहा है ईश्वरत्व मिथ्या है, जीवत्व मिथ्या है, इसलिए उसका कारण भी नहीं है। ये जीवत्व ईश्वरत्व के ओर से कारणत्व है, जगत है नहीं, ईश्वर तो नहीं, कुछ नहीं, कारण नहीं, इसलिए कारणत्व भी नहीं। न ईश्वर है न जीव है, न ईश्वरत्व है न जीवत्व है, न कारण है न कारणत्व है। ब्रह्म को कारण मत कहो, किसने कहा ब्रह्म को कारण, यही तो सबसे बड़ा भूल हो गया है। ब्रह्म कारण नहीं है, निर्गुण ब्रह्म को जब लक्षित किया है का मतलब क्या, न कारण स्वीकार कर रहे हैं न कार्य तो स्वीकार कर रहे हैं, न कारण है न कार्य। इसीलिए अपूर्व मानव परम यह शब्द क्यों आया है बृहदारण्यक में, विशेष रूप से शब्दावली ब्रह्म का जब पूछने पर या ज्ञाना अपूर्व मानव परम, न वो कारण है न वो कार्य, किसी का कारण भी नहीं है वो और किसी का कार्य भी नहीं। जब वो किसी का कारण नहीं है इसलिए उसका कोई कार्य नहीं, और वह किसी का कार्य नहीं है उसका कोई कारण नहीं, उस तत्व का नाम ब्रह्म है। ये सारी चीजें जो दृश्य दिखाई दे रहा है जिनको कल्पना क्यों हुई कैसे हुई उसके लिए हम एक माया मान लेते हैं, पर माया कहाँ रहेगी, निरस्तान हो नहीं सकती, इसे माया का स्थान ब्रह्म कह दिया। जब माया का स्थान ब्रह्म कह दिया फिर पूछा गया वो ब्रह्म से भिन्न की अभिन्न है ना, ये सब तर्क के जाल में जवाब दिया जा रहा है। यथार्थवाद क्या है, न माया है न ब्रह्म से अभिन्न है, न माया से कोई जगत पैदा हुआ है। इसीलिए हम लोग वेदांत को तीन स्टेज में समझाते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सजातवाद में सृष्टि दृष्टिवाद, ईश्वरीय सृष्टि माना, जो आपका स्टेज फर्स्ट स्टेज में ईश्वर सृष्टि को मानेंगे, ईश्वर को उसका कारण मानेंगे तभी ब्रह्म कारण नहीं, मायोपाधिक ईश्वर कारण है ब्रह्म कारण नहीं। यही तो बात है ना, देखो घटाकाश और आकाश संज्ञा जब बदल गई, घटाकाश और आकाश संज्ञा बदल गई, आकाश और घटाकाश एक है क्या, बिल्कुल नहीं। फिर तो ऐसे कैसे हो सकता है, आकाश मकान बना ले सकते हो, घटाकाश मकान बना के दिखा दो मेरे को। ये भौतिकवाद से परे हम लोग बोलते हैं जो भौतिक तत्वों के अधीन नहीं है। जब हम आकाश घटाकाश की चर्चा करें वह भौतिकवाद से कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ पट में और तंतु में अंतर, सब में अंतर मानते हैं। ये जो कार्य कारणवाद समझाया गया है केवल सृष्टि दृष्टिवाद से आम आदमी को, ये जो जगत को भौतिकवादी अत्यंत भौतिकवादी है जो भूतों के आधार पर जीवन चला रहा है उसको इसे प्रोठान कहा कि ईश्वर है, ईश्वर की सृष्टि है, मानो मानो ईश्वर है और ईश्वर की सृष्टि, उसको कहा जा रहा है जो व्यक्ति बिल्कुल जानवर जैसे जी रहा है, केवल खाना पीना भोगना जानता है, उसको अध्यात्म में लाने के लिए मां कह दिया सृष्टि दृष्टिवाद, एक ईश्वर है उसकी सृष्टि है, उसने सारा जगत का निर्माण किया, ये आकाश है जल है वायु है भौतिक है उसके लॉस है। फिर उससे ऊपर उठा जब उसकी चिंतन किया मनन किया तो ईश्वर भी नहीं है, दृष्टि सृष्टिवाद जो तुम्हारी ही है सारा सृष्टि है, ईश्वर कोई है नहीं ना ईश्वर की कोई सृष्टि है, जीव की अपनी ही कल्पना से सारा सृष्टि होता है, या आपने आंख खोला तो सृष्टि, आंख बंद किया तो सृष्टि नहीं, खत्म कर, नो ईश्वर नो मायोपाधिक चिंतन नहीं होता कुछ नहीं, दृष्टि सृष्टिवाद लाया। जब दृष्टि सृष्टिवाद में भी आया फिर ये सृष्टि मेरे द्वारा जो कल्पना होकर सारे मेरे, हाँ जिसको दक्षिणामूर्ति पराश्र बार बार लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विश्व दर्पण दृश्य मानव अंत है बाहर दिख रहा क्या झूठी है नहीं। फिर दृष्टि सृष्टिवाद से ऊपर उठेंगे जब देखेंगे इसकी भी सोर्स कहाँ से आया, ये भी सोर्स हो नहीं सकता, तब कह देवी ऐसा हमारी अविद्या से ही थी, अविद्या भी क्यों मानी जा रही है, क्योंकि हमने अपनी सृष्टि मुझे दिख रहा है, जब उससे हम परे उठेंगे तो सृष्टि भी नहीं है, न दृष्टि सृष्टिवाद में नहीं रहा, अजातवाद में पहुँचते हैं। जब अजातवाद में पहुँचते हैं तो ना ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, उस स्टेज को लेकर बात कहा जा रहा है।
इसलिए सर्वम कलिमं ब्रह्म किस स्टेज के लिए और उस स्टेज उस जिस स्तर के लिए है उस स्तर में इसको क्या अर्थ देना चाहिए, वो अनर्थ लोग कर दे रहे हैं। हम लोग करते क्या है, तीनों वेदांत को खिचड़ी कर देते। समस्या आप लोगों के साथ ये हो जाता है, अजातवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद किन अधिकारी के लिए क्यों कहा जा रहा है, इसको आप अलग अलग कर देंगे तो कोई मिक्सचर नहीं होगा। फिर आप भी कहेंगे न ईश्वर है न माया है न कुछ, असल में हम स्तर यहाँ हैं और बात उधर की कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तीनों को अलग अलग दृष्टिकोण साफ रखिए दिमाग में तो कोई समस्या नहीं। वेदांत का तीन स्तर को स्पष्ट रखना है तभी समझ में आती है वेदांत, तभी इसलिए कहा जा रहा है तदर्थ अनवधारणे सर्वम कल्पितं ब्रह्म का अर्थ को जो सम्यक समझा नहीं है वो क्या अर्थ लेता है, आपाततः धड़ भड़ करके एट द फर्स्ट इंस्टेंस से क्या कर लेता है, सर्वमिदं दृश्यं ब्रह्म इत्येवं अनात्मनि ब्रह्म बुद्धौ प्राप्ताय। जो भ्रांति क्या हो रहा है, जड़ात्मक दृश्य को ही ब्रह्म बुद्धि कर रहा है आदमी सर्वम कलं ब्रह्म का अर्थ को अनर्थ करते हुए। इसे कारण ढूंढेगा तो कहां जाएगा, वो माया में जाएगा, जड़ आया माया से कि चैतन्य से आया, बस खत्म कहां, फिर कहां से माया आया, कहां से जगत है, उसका भेद कहां है, कहां कुछ आया, यही तो गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, व्हाट आर यू सीइंग इज दृश्यम, हाउ कैन दैट बी ब्रह्मन, दैट जडम, व्हाट आर यू सीइंग इज ओनली जड़ और नॉट, आर यू सीइंग चैतन्यम, नो जडम, देन हाउ कैन दैट बी ब्रह्मन, इट्स लाइक योर ड्रीम, एवरीथिंग इन योर ड्रीम इज यू, नो 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 नो, इट्स एवरीथिंग इग्नोरेंस, मेरी अविद्या है, मैं कहां से हो गया स्वप्न, मेरा ज्ञान हो गया, मेरी अविद्या की वजह से स्वप्न दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ी स्वप्न हो गया, अविद्या से आया, मेरे अंदर है ही नहीं ना कुछ भी, आपने खुद सृष्टि किया, सब देख रहे हैं, आपके अंदर चला जाता है फिर से कौन, मैं कौन वहां पर आगे ना, मैं कौन, अविद्या वचन चैतन्य ब्रह्म नहीं, शुद्ध में कहीं कुछ हो नहीं सकता, यू आर स्टिल चैतन्य, यू आर नॉट जड़म, नहीं अविद्या चैतन्यमस्मि Not only चैतन्यम, फर्क नहीं पड़ता है, चैतन्यम फर्क बहुत फर्क पड़ता है, क्या बात कर रहे हो, चैतन्यम इस चैतन्यम भाई, बेसिस चैतन भले ही हो उससे कोई लेन देन नहीं होता, लेकिन चैतन्य से पैदा नहीं होता जब तक अविद्या नहीं होगी, केवल चैतन्य से कभी पैदा हुआ नहीं आज तक तो कुछ भी, that is true, then what, then why you are saying चैतन्य has become the dream, then where is the dream then, हाँ? The dream is, dream is only अविद्या, based on चैतन्यम, dream is totally avidya based on chaitanya, chaitanya has not become dream, that again you are being mistake, dekho tv ka screen hazar bar drishtan diya, tv ka screen mein chitra based hai, in screen chitra nahi hua hai, so that is true, then what, same thing is here also, screen is chaitanya, wo nahi hua chitra, okay, then what, jo current choda gaya jo wahan tarang aa rahe wo hue hai, is par se avidya hua hai, to main nahi hua hu स्वप्न, मेरे अंदर जो कल्पित अविद्या हुई है वो अविद्या ने कल्पना कर दिया है, अविद्या इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, वो कल्पित है, वो है ही नहीं, डिफरेंट है ही नहीं, डिफरेंट बोलो, इनडिफरेंट बोलो, कोई लेन देन नहीं है, नॉन डिफरेंट बोलो, अरे वो केवल दिखाई देने से माना जा रहा है, वो है ही नहीं ना चीज, जो चीज है ही नहीं उसको कैसे कह दूं है करके, और अभिनय कहते कैसे कह दूं, बार बार तुम है अभिन्न, अभिन्न नहीं है, है ही नहीं वो, सदसद विलक्षण, नॉट सदस्यम अनिर्वचनीय, सदसद विलक्षण, बिकॉज इट्स नॉट लाइक खपुष्प, इट इज नॉट नॉन एग्जिस्टेंट, वो नॉन एग्जिस्टेंट खपुष्प के समान नहीं है सत, और ब्रह्म के समान सत भी नहीं है, इसका मतलब है नहीं, यदि खपुष के समान होता मैं कहता असत है, ये कहता मैं, ये ब्रह्म के समान सत होता मैं कहता सत है, लेकिन सत है वो न असत है, सद असत दोनों ही नहीं है, अनिर्वचन का मतलब क्या है, कुछ है वो है क्या है, तो नहीं है, तो है और नहीं भी है, क्या मतलब है वो, जो नजर तो व्याघात दोष, ये आपको नजर आ रहा है तो अविद्या की वजह से नजर आ रही है, तो अविद्या ही नहीं है तो नजर आ रहा है विभ्रांति है, रज्जु में सर्प दिखाई दिया नजर आ रहा है तो कोई रज्जु सर्प सत्य हो गया, स्वकाले सत्यवत भाति, कहते रहो उसमें क्या दिक्कत है, या हम जो बात कर रहे हैं यहाँ सर्वम कल ब्रह्म की ब्रह्म बुद्धि करना है, किसमें ब्रह्म बुद्धि करना है ये विचार हो रहा है, सर्वम कल ब्रह्म की शांति पास इतना मंत्र आया है, ब्रह्म की दृष्टि करो, किसमें दृष्टि करोगे, सब में, किस सब में, बस ये तो निषेध कर रहे हैं,
यही तो निषेध कर रहे हैं। ये सारा जगत जड़ है, मिथ्या है, माया है, अविद्या है, उसमें दृढ़ बुद्धि करोगे तुम भी जड़ हो जाओगे। जिसकी जैसे तुम चिंतन करो वही तुम हो जाओगे। जड़ को ब्रह्म सोचोगे तुम भी जड़ हो जाओगे। इस जड़ का अधिष्ठान को चेतन सोचो। बारह में बताओ इसे टीवी का स्थान दे करके चित्र को भूल जाओ। चित्र का स्थान स्क्रीन को, स्क्रीन में टिकने की आप दम नहीं है। आप चित्र में टिक करके नाच करके बोल रहे हो। जब स्क्रीन में टिकोगे तो स्क्रीन में पता चलेगा स्क्रीन में चित्र है ही नहीं। स्क्रीन में टिको चित्र है ही नहीं। ये चित्र दिख रहा है इसलिए तुमको ये बात कल्पना करके बतानी पड़ रही है अविद्या है। स्क्रीन में टिकोगे ना विद्या है न चित्र है। असल हम लोग उस अधिष्ठान तक पहुंच, ये सारा साधन अधिष्ठान में पहुंचने के लिए है, न कि इन साधनों को ही सत्य कहने के लिए। नहीं, सर्वम ब्रह्म जो कहा जा रहा है, सर्व दृश्य जो तुमको दिख रहा है, इस दृश्य का अधिष्ठान में ब्रह्म दृष्टि करो। सर्वम में नहीं करना। सर्वम में करेंगे तो हम भी सर्वम हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। प्रकृति लय मिलेगी फल जो पहले बोल चुके। इसलिए इनका कहना है सर्वम इदम दृश्यम ब्रह्म इति एवं अनात्मनि ब्रह्म बुद्धो प्राप्तयम तन निषेधयत। अनात्मा में जो हम ब्रह्म बुद्धि कर रहे हैं उसको निषेध करने के लिए से सर्वम के अधिष्ठान में जाओ, सर्वम को मत पकड़। अत्र उपासित इत्यस्य भोग्यत्व आदि नान भवन्ति इत्यर्थ। यहाँ जो उपास्य है उसका भोग्यत्व आदि को अनुभव नहीं करता हूं, ये इसका अर्थ होता है। आत्मन एव ब्रह्मत्व धी धार्ड्याय एव अनात्मन अब्रह्मत्व पुनरुक्ति रीति यावत। और स्पष्ट करते हैं आत्मा में ही ब्रह्म बुद्धि की दृढ़ता करने के लिए ये सभी विधियां हैं। आत्मन एव ब्रह्मत्व बुद्धि धार्ड्याय एव अनात्मन अब्रह्मत्व पुनरुक्ति। इसे नैदम यदिदम उपासज अब्रह्मत्व का जो पुनरुक्ति हुई है वो आत्मा में द्विबुद्धि करने के लिए है, न कि सर्वम दृश्य में ब्रह्म बुद्धि करने के लिए। नहीं, ये बात। और इसी प्रकार से परिसंख्या विधि दृष्टिकोण से क्या अर्थ होगा? तत्र चलनेत्र प्राप्त हो परिसंख्येति गीयतीति न्यायमनुसृत्या तदेव ब्रह्म इति वाक्यात् आत्मनि इव। जैसे तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि एक करके त्वं यत् चैतन्यं जीवात्मा तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म है ऐसे जानो कहने के बाद आत्मा में ब्रह्मत्व प्राप्ति हो गई। और लेकिन अन्य उपनिषदों में क्या कहा? मनोब्रह्मेति उपासित, आदित्यं ब्रह्मेति उपासित, अनेक उपाधियों में ब्रह्म दृष्टि करने को कहा। उसी प्रकार से सर्वम ब्रह्मेति उपासित वो भी उपाधि ब्रह्म दृष्टि करने को कहा। अतएव आत्मा में ब्रह्म दृष्टि प्राप्त है यहाँ पर। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि अहम् ब्रह्मास्मिति तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के आधार पर जीव रूपा जो आत्म चैतन्य जो है इसी में ब्रह्मत्व बुद्धि प्राप्त था इस विधि के आधार पर। और उन विधियों के आधार पर अनात्म में ब्रह्म बुद्धि प्राप्त है तो तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति कियते। तो आत्मा में ब्रह्मत्व बुद्धि प्राप्त है, अनात्मा में ब्रह्मत्व बुद्धि प्राप्त है, दोनों प्राप्त स्थिति में किसमें करना किसमें नहीं करना वाक्य में, तब कहते हैं इत्येवम् आदि वाक्याद् उपास्य प्राणादोपि तत्त्वतो या ब्रह्मबुद्धि प्राप्नोति ताम निवर्तयितुं वा इत्यर्थ। उसको निवृत्त करने के लिए क्या करना पड़ा? हमको कहना पड़ा कि नहीं 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 नैदम यदिनोपासते इदम यत् किंचित् जगत् सर्वं तद् यत् ब्रह्मत्वेन ब्रह्म दृष्ट्या उपासते तन्न ब्रह्म वह ब्रह्म नहीं है। से नेदम यदि उपासते से तो इदम सर्वं खलविदम ब्रह्म जो का खलु इदम सर्वं ब्रह्म जो का उसी को निषेध करता है। वहां जो सर्वं खलविदम ब्रह्म विधि किया छांदोग्य में उसी को यहां नेदम ब्रह्म उपासते से निषेध कर दिया। किंतु किसमें ब्रह्म दृष्टि करना? केवल प्रत्येगात्मा में। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का ही दृष्टि करनी है हमें, जगत ब्रह्म ऐक्यत्व दृष्टि करना नहीं है। ये निषेध कैसे होगा? इसके लिए दो बात कही, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि और नेदम। ये निषेध का वाक्य है। इस तरह से नियम पक्ष दृष्टि से भी अनात्म प्राप्त ब्रह्म बुद्धि को निषेध करने के लिए है। और प्रसंज्ञा पक्ष में क्या हो गया? आत्मा और अनात्मा दोनों में प्राप्त ब्रह्म दृष्टियों में से आत्मा में ब्रह्म दृष्टि करना है, अनात्मा ब्रह्म दृष्टि नहीं करना है, ये निषेध करने के लिए विधि। इस तरह से नियम विधि पक्ष
और प्रसंख्या विधि पक्ष दोनों पक्षों में साबित हो गया कि आत्मा को ही ब्रह्म दृष्टि करना, आत्मा में ही ब्रह्म दृष्टि करना है। अब इसको और विस्तार रूप से अन्य उपाधियों को भी लेकर समझाना चाहते हैं, अन्य इंद्रियों को भी लेकर समझाना चाहते हैं गुरु आचार्य। इसलिए कहते हैं यन मनसा न मनुते ये न आहुर्मतो मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते, जिसे मन से मनन नहीं किया करता है, जिसे कोई भी व्यक्ति मन से मनन नहीं कर सकता है, ये न आहुर मनोमतम, किंतु जिससे मन की यह मनन क्रिया हुआ करती है, ऐसा जो कहते हैं आहु ये न मनोमतम, मतम ने मननम भाव में एकता प्रत्यय मरणात्मकम क्रियाम करोति ये न मन इत्याहो तदेव, जिसको ऐसा लोग कहते हैं तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी आत्मा को तुम ब्रह्म करके जानो। न इदम ये तुम उपासित है देश काला से परिच्छिन्न जो जगत आत्मक वस्तु, इसको जो है इदम त्याज जो कुछ भी है उसको लोग जिसे उपासना करते ब्रह्म दृष्टि से उसको तुम ब्रह्म मत समझो, वह ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते, मन इति अंतकरण बुद्धि मनस और एकत्व न गृहते, मन शब्द से अंतकरण को लेना, जिसे बुद्धि और मन दोनों को एक करके कह दिया गया है। चित्त अहंकार अंतर्भावी आह, इसी में चित्त और अहंकार को भी अंतर्भाव कर दिया, चार है ना मन बुद्धि अहंकार चित्त, उनमें सबको मन में अंतर्भाव कर दिया, समझे पहले मन और बुद्धि को एक कर दिया और उनमें बाकी दो को भी एक कर। तयोर अभेदात मन इति अंतकरण गृहतीत्यन्वयः, उन सब का भेद करने से ही या मन एक शब्द के द्वारा संपूर्ण अंतकरण को ग्रहण करना। मनोद्यानेन इति मनः सर्वकरण साधारण, और मन में व्युत्पत्ति क्या करना, करण व्युत्पत्ति से अंतकरण लेना है ना हमने, इसे करण व्युत्पत्ति करना है मनोद्यानेन इति, ऐसे विग्रह करके मन को लेना। और फिर भी सर्व करण साधारणम, ये मत सोचना केवल मन का अपना व्यापार को यहाँ कहा जा रहा है संकल्पात्मक, नहीं बल्कि देखना सुनना खाना सारी जो क्रिया और सर्व करण, उन सब का ज्ञान भी मन से ही होता है। सर्व करण साधारणम, इसलिए आगे कहते हैं सर्व विषय व्यापकत्व, कि मन का विषय के सुख दुख आदि अंतकरण का जो गुण है उत्तर धर्म है उनको ही नहीं लेता है मन, किंतु मन बाह्य जो इंद्रिया कर्मेंद्रिया उनके भी विषयों का ही ग्राहक वही होता है, इसलिए कहते सर्व विषय व्यापकता। मनोदेति उत्पादनात् मरण क्रिया प्रति मनस करणत्म न तो रूपाय दर्शनादि क्रिया प्रति इत्यतम आशंका वारयितुं महा, कोई ऐसी आशंका करे केवल मन मन के अनेन कह करके आपने मन रूपी क्रिया का करण कथन कर दिया, इसलिए मन मननात्मक क्रिया का ही करण है, ऐसा कोई कहे कहते नहीं नहीं नहीं, रूप दर्शनात्मक क्रियाओं का भी वो करण है। इस बात को समझाने के लिए सर्वकरण साधारण कर दिया, सर्वेंद्रिय सहकारित्वेन इंद्रिय क्रिया सामान्य प्रतिकरण भाव इति यावत्, सकल इंद्रियों का व्यापार के प्रति सहकारी कारण होने से इंद्रिय क्रिया सामान्य के प्रति वह करण है। इस हेतु यह सर्व विषय व्यापक संदेह सर्वेंद्रिय विषय ज्ञान जननीय तत्सबंध से अपेक्षित, सकल इंद्रियों का तत्त्व विषय ज्ञान के लिए मन का संबंध होना बहुत जरूरी है, मन के संबंध के बिना तत्त्व इंद्रियों का विषय ज्ञान हो ही नहीं सकता है। इसमें क्या प्रमाण है, सारे उसी के होते हैं, तब कहते प्रधान उपनिषद 1.5.3 काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर धृतिर धीर धीर भीर इत्येत सर्वं मनैव इति श्रुतेः, ये श्रुति कहती है सारी क्रिया उसी से हो रही है। देखो कामना मन इच्छा संकल्प विचिकित्सा मन संशय श्रद्धा अश्रद्धा धृति मन धैर्य अधैर्य ह्री मन लज्जा धी मन ज्ञान, ये ज्ञान सकल विषय ज्ञान मन से होता है। सिद्धियां सामान्य शब्द है कि सुखात्मक धी नहीं, अंतरण धर्म का धी नहीं, धी सामान्य मैंने रूप धी स्पर्श धी रस धी सब धी धी ही मैंने भयम इत्ते तत्सर्वम, ये सारा मन के धर्म है। इति श्रुते है कामादि वृत्ति मद मन
कामादि अनंत प्रकार की वृत्तियों वाला यह मन है। तेन मनसा, उस मन के द्वारा, यत मने चैतन्य ज्योति ही, पहले भी कहा ना, यह शब्द क्या लेना, चैतन्य ज्योति ही। मनसो अवभासकम न मनोते, जो मन का भी अवभासक है वो, आपका अपना स्वरूपता जो आत्मा है वो कैसा है, वो मन का भी प्रकाश भाषातम अनुभात सर्व। इसलिए कहते हैं कि मनसो अवभाषम, मन का भी वो प्रकाशक है, इसलिए मन उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। मनसो अवभाषम, अतएव उस चैतन्य ज्योति को न मनुते, मन अपना विषय नहीं बना सकता। न संकल्पयति, ना भी निश्चिनोत, वह उस आत्मा के बारे में न संकल्प कर सकता है। और अंतकरण से बुद्धि भी ले लिया आपने, इसलिए न निश्चिनोति, बुद्धि और मन के एकत्व करके एक दिया, न निश्चिनोति, निश्चय भी नहीं कर सकते। मनसो अवभासकत्व नियंत्रित्वात्, क्योंकि मन का ही अवभासक होने से उल्टा मन का भी नियंत्रक है, मन का भी वो नियंता ही है, नियंत्रित्वात्। अवभासकत्व नियंत्रित्वात् अभेदार्थात् तृतीया, अवभासकत्वेन जो तृतीया है अभेद अर्थ में है, अवभासकतात्मक नियंत्रित्ता अभेद कर देना, हेतु हेतु मतभाव नहीं है, जो उसके अवभासकत्व है वही उसका नियंत्रित्व है, वह प्रकाशक होने से वो नियामक भी हो गया। ये अंतर में ब्राह्मण ने समझाया, सब कर रहे में वो विद्यमान होकर सब क्या कर रहा है, वो नियमन कर रहा है। नियमन कैसे करता है, अपनी इच्छा से नहीं करता, आपकी कर्मानुसार नहीं करता है, आपके कर्मानुसार है ना आपको चलने को मजबूर करते। ब्राह्मण सर्वाभूत, ब्राह्मण सर्वाभूता नियंत्रणारूणानी माया गीता में कह दिया, ब्राह्मण का दौड़ा रहा है, वो दौड़ा रहा है। दौड़ाने का निमित्त क्या है, खुद की इच्छा से दौड़ा रहा है तो फिर उसे निर्भिंडी दोष आ जाएगा, वैषम्य दोष आ जाएगा। किसी को अच्छा ढंग से दौड़ा रहे, किसी को खराब ढंग से दौड़ा रहे, क्यों, किसको सुखी बना दिया, किसको दुखी बना दिया, क्यों? तब कहेंगे आप ही के कर्मानुसार है ना आपको चलने की, वो केवल सत्ता मात्र से प्रेरणा देता है, यही उसकी नियामकत्व और कुछ नहीं। सर्व विषय प्रति प्रत्येक स्वात्म न प्रवर्तित अंतकरण, सर्व विषय प्रति, सर्व विषय प्रति, स्वभाष्यम सर्व प्रति, सर्वेषम मतलब क्या, अपने द्वारा भाष्यभूता सकल संपूर्ण विषयों के प्रति प्रत्येगात्मा एव, जीवात्मा ही वास्तव में है प्रकाशक। क्या प्राय जीवात्मा क्या है, ब्रह्म है, अभिन्न। सर्व विषय प्रति प्रत्येगेव इति स्वात्मनि न प्रवर्तते अंतकरणम्, अदवि अंतकरण अपनी अधिष्ठान भूता, प्रकाशक भूता, नियामक भूता, स्वरूप भूता, उस आत्मा का भी प्रकाशन या मनन करने प्रवृत्त नहीं हो सकता है, न प्रवर्तते अंतकरण। अतः अंतस्ते नहीं चैतन्य ज्योतिषा अवभासितस्य मनसो मनन सामर्थ्यम, क्योंकि अंदर में अंतस्ते नहीं चैतन्य ज्योतिषा, सर्वव्यापक होने से वो अंतस्थ भी है, बहिस्त भी है, अंतस्थ भी है, जो सर्वव्यापक होने के नाते अंतस्थ उस चैतन्य ज्योति के द्वारा अवभासितस्य मनसो, जो प्रकाशित मन है वो मनन सामर्थ्यवान हो जाता है। यदि वह चैतन्य से मन प्रकाशित ना हो वे तो यह मन मनन का सामर्थ्य वाला नहीं होता। तेन सवृत्तिकम मनो, उसी के द्वारा यह मन वृत्ति वाला हो जाता है। येन ब्रह्मणामतम विशीकृतम व्याप्तम माहो, और इसीलिए आहो दूसरे लोग क्या, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, उस ब्रह्म के द्वारा यह मन विशीकृतम मतम सकल विषयों का मनन करने में समर्थ होता है, व्याप्त हो जाता है। इति कथयन्ति कौन, ब्रह्मविदः, तस्मात् इसलिए तदेव मनसः आत्मानम्, उस मन का भी अवभासक, नियामक, प्रकाशक, प्रेरक वो आत्मा को प्रत्येक चैतन्यधारम होने वो ब्रह्म, वो आपकी प्रत्येक चैतन्य ही है, उस प्रत्येक चैतन्य को ही ब्रह्म इति विद्य, ब्रह्म करके जानो, नेदम इदम उपासते इत्यादि पूर्वदिति।